भैया आईएएससी स्पोर्ट राउंड में लास्ट रैंक कितना जा सकता है, क्या हमको अलॉटमेंट मिल सकता है, क्या चांस है, कितना चांस है, वी विल डिस्कस अबाउट इट। और गैस सो जो स्टूडेंट ऐसे हैं अभी तक जिनकी स्पोर्ट राउंड के अंदर यानी कि 11 राउंड के अंदर भी रैंक शो कर रही है अप्रोक्स कितना आपकी अगर 100 से कम अगर रैंक शो कर रही है देन यू हैव द गुड चांस टू अलॉट ए सीट इन आईएएससी। हालांकि जो बच्चे ऐसे हैं जिनकी कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं, ठीक है, अगर आप ऐसी कैटेगरी से हैं 20 रैंक आपका शो कर रहा है, आपकी टोटल सीटें 4 बची हुई है, देन उस कंडीशन में काफी कम चांसेस रहते हैं। हालांकि ऐसे बच्चे बहुत सारे हैं जो कि वेटिंग का वेट कर रहे हैं, भाई हमारी वेटिंग इतनी चल रही है और उनकी कैटेगरी में सीट ही नहीं अवेलेबल है, ठीक है, इट्स डिपेंड ऑन द सीट्स। हो सकता है आपकी 50 वेटिंग चल रही हो और आपकी जो कैटेगरी है उसमें एक ही सीट वैकेंट है, तो आपको सीट कैसे मिल सकता है, ठीक है, इट्स यार डिपेंड ऑन द सीट। लेकिन इश्यू क्या है कि जो भी बच्चे हैं जिनकी रैंक अप्रोक्स 10 है, 15 है, 11 है, 1 से लेके 20 30 तक है, उनको ऑलरेडी जोसा के अंदर सीटें अलॉट हो रही है, ठीक है, उनको सीसीएफ में ऑलरेडी मिल रहा है। या फिर लोटोप जो बच्चे ऐसे हैं जिनकी अभी वेटिंग अप्रोक्स 50 तक है, उनको जोसा में कुछ ना कुछ ऑलरेडी मिला हुआ है, क्योंकि इतने जो मतलब पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको जोसा में कुछ ना कुछ मिलेगा, जैसे एनआईटीज में जैसे मेटलर्जी हो गया, केमिकल हो गया, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ होप में बैठे हैं, ठीक है, कि मेरे को कुछ मिलेगा, अच्छा मिलेगा कोई बात नहीं कैंसिल कर दूंगा। और जो 90% केसेस में बच्चे क्या कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी जोसा में सीट पे कर रखी है फीस, ठीक है, अब वो क्या करते हैं कि यार जो जोसा वाली जो फीस है वो वापिस जनवरी में वापिस आती है, और इधर जो कैटेगरी है वो अप्रोक्स अगर आपकी ओबीसी वाले बच्चे हैं वो 80,000 रुपए मांग रहे हैं आईएएसटी वाला, और वो सोच रहे हैं कि यार उधर वाले पैसे भी फंसे हुए हैं, पता नहीं कितने महीनों बाद आएंगे, घर वालों को प्रेशर है, और ये जो बच्चे हैं ये ऑलरेडी 99% केसेस के अंदर पढ़ के आए बाहर से अच्छे इंस्टीट्यूट से, लाखों रुपए ऑलरेडी लगा रखे हैं, अब फिर से इधर 80,000 कौन देगा, इसलिए सारे के सारे कट ले रहे हैं। अच्छा सीट अलॉट हुई, वाओ मेरे को आईएएससी अलॉट हुई है, लेकिन फीस पे नहीं करेंगे, एंड गो टू द जोसा, गो टू द एनआईटीज एंड लाइक दैट, ये सिचुएशन ये चल रही है। तो आप अगर देखोगे तो आपका जो प्रोसेस है वो 2 से 3 दिन चलेगा, और आईएएससी वालों को भी मालूम है कि यार ये लोग सीटें तो कैंसिल करेंगे, ठीक है, लेकिन जो अगर आपकी वेटिंग चल रही है भैया 100 वाले जो बच्चे ना, तुम लोग टेंशन मत लो, यू कैन प्रिपेयर योर डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल्सो योर फीस इन योर बैंक अकाउंट एंड नेट बैंकिंग प्रोसेस, या फिर आपका डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की लिमिट ठीक होनी चाहिए, एंड डायरेक्टली आप जो है उस टाइम पे जरूर से अप्लाई करिएगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं एक्सेप्शनल केसेस आपका अगर कोई है, जैसे आप अप्लाई नहीं कर पाए थे, आपका डॉक्टर इश्यू लाइक दैट, कुछ भी एक्सेप्शनल रीजन था जिसके कारण आपको अलॉटमेंट नहीं हो रहा, आपने अप्लाई नहीं किया, आपने फॉर्म ही नहीं भरा, आपके मार्क्स अच्छे हैं, आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते थे, लेकिन आपका अगर कोई जेन्युइन एक्सेप्शनल रीजन है, अगर आपका पेमेंट रीजन है, अगर आपके पास फीस नहीं जुटा पाए आप, ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं, आपका हाथ पैर टूट गया था, आप पढ़ नहीं पाए थे उस टाइम पे, लेकिन आपका पहला का हिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है, देन एज पर द सुप्रीम कोर्ट केस इन 2019 के जजमेंट के हिसाब से यू कैन अप्रोच टू द टीम ऑफ द हायर अथॉरिटीज लाइक डायरेक्टर, वाइस चांसलर्स, जिसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया, क्योंकि यार बहुत सारे बच्चों की क्वारी जाती हुई, हमने फॉर्म ही अप्लाई नहीं किया, हमारे मार्क्स बहुत अच्छे हैं, जेई एडवांस में हमारे जो है 140 नंबर बन रहे हैं, 150 नंबर बन रहे हैं, जेई मेन में बहुत अच्छा स्कोर है, 12th में 90 प्लस है, 10th में 90 प्लस है, लेकिन हमारा ये रीजन था, हम बाहर थे, हमारा हॉस्पिटल में थे, घर में कुछ हो गया था, ट्रेजिडी हो गई थी, भूकंप आ गया था, हमारा इंटरनेट नहीं था, बैंक का सर्वर नहीं चल रहा था, पेमेंट कर दिया था हमने 1000 काट दिया, उसके बाद में हमारा जो है ट्रांजेक्शन कैंसिल कर दिया, फॉर्म को कैंसिल कर दिया, ऐसे अगर आपके कोई एक्सेप्शनल रीजन है देन यू कैन अप्रोच टू द हायर अथॉरिटी टीम, फाइल द लीगल केस, फाइल द ऑफलाइन डॉक्यूमेंट, कॉन्टेक्ट ओवर टीम रिगार्डिंग द रिजोल्यूशन, अगर आपका कोई भी इश्यू है देन ओवर टीम कैन हेल्प यू, भाई हमको तो अलॉटमेंट ही नहीं आ रहा, हमारे तो नंबर कम है, हमको तो ना जोसा में मिल रहा है ना आईएएसटी में मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा, देन एट दैट कंडीशन हम क्या कर सकते हैं, किसे कॉन्टेक्ट करें भैया, कौन सा इंस्टीट्यूट मिलेगा, आर नो वरी वी कैन हेल्प यू टूडे, हमारा यार आईएएसटी का या फिर इंडिया की सबसे अच्छी काउंसलिंग प्रोवाइड करने का हम कोशिश करते हैं, वी आर वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री फ्रॉम द लास्ट 5 years
एंड हमें सब पता है कि बच्चों की कौन सी क्वालिटी होती है, बच्चों को कौन से इंस्टीट्यूट अच्छे हैं, आपका फ्यूचर कौन से इंस्टीट्यूट में अच्छा है, 5 साल बाद आपको जॉब चाहिए, देन आपको एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पर डे हमारे पास 100 से ज्यादा कॉल आते हैं जिसके अंदर बच्चे बोलते हैं मैकेनिकल मिल रहा है, सिविल मिल रहा है, लू कि नहीं लू। भाई मैकेनिकल आज के टाइम पे आप करोगे, 5 से 5 साल पहले इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस लोगों के लिए सिर्फ जॉब था, फ्रेशर के लिए 5 साल पहले जॉब नहीं था। आपको जॉब आज से आने वाले 5 साल बाद यानी कि 2030 के बाद आपको जॉब करना है, और अगर अभी आपने अच्छा ब्रांच चूज नहीं किया देन एट दैट टाइम आप क्या करोगे, क्योंकि सिर्फ 4 साल ही है आपके पास पढ़ने के लिए, उसके बाद आपकी घर वाली शादी कर देंगे, आप सेटल हो जाओगे, 10 साल बाद अगर नौकरी चली गई, आपकी फील्ड खत्म हो गई, देन आप कहां स्विच करोगे, आपके बीवी बच्चे होंगे, आपको पैसे कमाने हैं, कैसे शिफ्ट करोगे आप अपने आप को, कहां से पढ़ाई करके आओगे, नौकरी कौन देगा आपको, ऑटोमेशन हो जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस छा जाएगा चारों तरफ। इसलिए आपको अभी के अभी आपको ब्रांच ऐसा चूज करना है जो आपका फ्यूचरिस्टिक हो, जॉब्स हो फ्यूचर के अंदर। वो कैसे करोगे, उसके लिए चाहिए नॉलेज, नॉलेज किसके पास है, हा हा हा। इसलिए हमारा बोर्ड लाइन नंबर दिया है, हमारे व्हाट्सएप नंबर दिया है, आपकी कोई भी क्वारी है, आपके नंबर है, वी कैन हेल्प टूडे फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए हम कोई चार्ज नहीं करते हैं, आपके सारी के सारी क्वारीज का सोल्यूशन देते हैं। आपको यह लगता है कि इनका नॉलेज अच्छा है, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपकी फ्यूचर में हेल्प कर सकते हैं, आपके एडमिशन में हेल्प कर सकते हैं फॉर द स्मूथ एंड इजी एडमिशन, देन आप हमारी बहुत सारी पेड काउंसलिंग प्लान में भी इनरोल कर सकते हैं, एंड बहुत ही इजीली स्मूथली आप एडमिशन अच्छे कॉलेजों में आप ले सकते हैं, और अपने घर वालों का बोझ आप बिल्कुल भी कम कर सकते हैं।